नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हम सभी लोग पांच अणुव्रतों की कथाएं सुन रहे थे, जिसमें से चार अणुव्रतों की कथाएं हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब पांचवी कथा परिग्रह परिमाण अणुव्रत की, जिसमें जय कुमार जो हैं प्रसिद्ध हुए। ये कहाँ के थे? हस्तनापुर के कुरुवंशी राजा सोमप्रव रहते थे। कहाँ पर? हस्तनापुर कहाँ की राजधानी है? कुरुजांगल देश। कौन सा देश? कुरुजांगल देश की राजधानी हस्तनापुर, और उसमें राज कर रहे थे कुरुवंशी राजा सोमप्रव। उनके जय कुमार नाम का पुत्र था, ठीक है। वह जय कुमार ने अपने जीवन में परिग्रह परिमाण व्रत ले रखा था। हर चीज का परिग्रह बना रखा, परिमाण बना रखा था, क्षेत्र का, वास्तु का, हिरण का, स्वर्ण का, दास का, दासी का, और स्त्री आदि का भी, स्त्री का भी, वस्त्र का भी, मतलब जो जो चीजें हो सकती हैं, चेतन और अचेतन दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, और इनकी ही मर्यादा बनाना कि चेतन पदार्थ मेरे पास इतने होंगे। मतलब चेतन में जैसे घोड़े घोड़े हैं, गाय हैं, इतने घोड़े, इतने गाय, इतने, मतलब सब, वो सबका परिग्रह बनता है, परिमाण बनता है, ठीक है ना। ऐसे अचेतन का भी बनाना, तो उसने परिग्रह परिमाण व्रत ले रखा था। उसका अपनी स्त्री सुलोचना से ही जो है विवाह, मतलब संबंध था, बहुत प्रसन्न था, शीलवान था, दोनों की ही बहुत अच्छे जीवन चल रहा था। एक समय विद्याधर अवस्था के पूर्वभवों की कथा के बाद जिन्हें अपने पूर्वभवों का ज्ञान हो गया, कथा सुनी किसी मुनि से, किसी से सुनी है, तो उनको पूर्वभव का क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ऐसे जय कुमार और सुलोचना, हिरण्य धर्मा और प्रभावती नाम का जो विद्याधर, ये लोग सब लोग क्या हैं, अपना छोटा सा शरीर बना करके, और कहाँ पे? मेरु पर्वत आदि में कहाँ गए? वंदना आदि कर रहे थे, वहाँ पर वो थे, अपने साधना भी कर रहे थे, वंदना भी कर रहे थे। और वहाँ से फिर कैलाश पर्वत, जहाँ भरत चक्रवर्ती ने क्या बनाए हैं, 72 कृत्रिम चैत्यालय बनाए, स्वर्ण के चैत्यालय, जहाँ से हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का क्या हुआ था? मोक्ष हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने भविष्य काल की, भूतकाल की और वर्तमान काल की, तीनों काल, मतलब 72 हो गए ना, तो उनके चैत्यालय बनाए, मंदिर बनाए, प्रतिमाएं स्थापित की स्वर्ण की, और आज भी वो प्रसिद्ध है। अनेक ग्रंथों में इसका प्रसंग भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। वो जब सागर दत्त आदि की कहानी सुनते हैं कि 60,000 पुत्रों ने खाई बना दी थी कि कोई इन चैत्यालयों को नुकसान ना पहुंचा सके, तो उनका वो दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर सौधर्म आदि स्वर्ग में जो है परिग्रह परिमाण आदि की चर्चा चल रही थी कि परिग्रह परिमाण जो है में ऐसा कौन सा अभी जो है पृथ्वी मंडल में जो व्यक्ति इसका अच्छी तरह से पालन करता हो। तो वहाँ पर बात आई जय कुमार की कि जय कुमार जो हैं वो साधना समता में रहते हैं और न्याय प्रिय हैं, अपने परिग्रह परिमाण का व्रत का अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो जो एक देव था, उस देव ने, रतिप्रह नाम का देव था, उस देव ने कहा कि ठीक है, हम इसकी परीक्षा लेके देखेंगे कि ऐसा है या नहीं है। तो उसने स्त्री का रूप बनाया, किसका रूप बनाया? सुंदर स्त्री का रूप बनाया, और अपने साथ एक दो तीन और चार स्त्रियों का रूप बनाया सुंदर सुंदर। जय कुमार अपनी साधना में थे, सामायिक में थे, और उसके आमने सामने, और बताया कि पूर्व भाव में हम ऐसे थे, आपके थे, ये हैं, वो थे, इस प्रकार से उनको ललचाने की कोशिश आदि सब की। लेकिन जय कुमार ने उनसे कहा विनम्र पूर्वक कि देखो,
मैं अपनी स्वस्त्री को छोड़कर के सबका मैंने त्याग कर रखा है, इसलिए आप इस प्रकार से कार्य न करें। और वो स्त्री को समझाया तो फिर उन्होंने घोर उपसर्ग भी किया, उसके सील भंग करने के कई प्रकार के उन्होंने उपाय भी किए, लेकिन वो साधना में रत रहे और वो टस से मस नहीं हुए। जैसे सुदर्शन सेठ की सील की कथा आपने सबने पढ़ी होगी, तो ऐसे ही वो जय कुमार को उनके सील भंग करने का प्रयास करते रहे वो स्त्रियां चारों तरफ से, लेकिन फिर भी जय कुमार जो हैं अपने शील, अपने ब्रह्मचर्य अनुव्रत आदि से जो है अलग नहीं हुए, और ना ही जबरदस्ती मुझे स्वीकार करो ऐसा भी उनने हाँ नहीं किया, क्योंकि उनका तो परिग्रह परिमाण व्रत था। क्या परिमाण था? मैं एक ही अपनी धर्म पत्नी को रखूंगा, मतलब जितने भी हों उससे ज्यादा नहीं। तो उसको वो सहन करते रहे। फिर वह रतिप्रव नाम का देव जो था अपने साक्षात रूप में आता है कि जैसी चर्चा आपकी जो है स्वर्गों में चल रही थी, वैसे ही हमने आपकी यहाँ पर स्थिति देखी। देखिए, जब भी हम कोई व्रत लेते हैं तो व्रतों की हमारी परीक्षा जरूर होती है, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, कहीं ना कहीं रूप से ऐसे कर्म के उदय भी आएंगे, तो वो भी हम इस समझे कि हमारे व्रतों की रक्षा, व्रतों की परीक्षा हो रही है। जैसे मान लो किसी ने नियम लिया कि हम रात्रि भोजन नहीं करना है, ठीक है ना। अब कई प्रकार से परीक्षाएं होंगी कि जैसे यदि आपने किया तो आपका पति परेशान करे, नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आज तो ये है, मेरा बर्थडे है, ऐसा है वैसा, दोस्त आएंगे तो करना ही होगा, नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ठीक है ना। अथवा बीमारी आ गई, डॉक्टर ने भर्ती कर दिया और उसने बोला नहीं पानी लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगी, तो ये सब परीक्षा के क्षण आ रहे हैं। इसमें आप कितने कठोर हो, मतलब दृढ़ हो, ये आपको सोचना है, क्योंकि थोड़ा भी आप टस से मस हुए। आचार्य से कहते थे कुछ भी हो जाए व्रत भंग नहीं करना है, और यदि व्रत भंग करना हो तो गुरु आज्ञा से ही करना। कैसे करना? गुरु ही देंगे। जैसे समंत स्वामी को बीमारी हो गई, भस्म व्याधि रोग हो गया, तो उनके गुरु ने कहा कि नहीं तुम्हें अकाल मरण नहीं करना है। वो नहीं मान रहे थे, वो तो कह रहे थे नहीं मैं तो ऐसे रहूंगा। बोले नहीं, अभी तुम्हारी छोटी सी उम्र है, आप इसका क्या करें, समाधान करें, इस रोग का समाधान करें, और फिर पुनः क्या हो, दीक्षित हों। तुमने गुरु की आज्ञा मान करके अपने भस्म व्याधि रोग दूर किया, फिर पुनः दीक्षित हुए, और दीक्षित होकर के कितने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, न्याय के कितने बड़े शास्त्र लिखे, तार्किक कितने थे वो। तो आप सोचिए कि गुरु क्या कहता है वो, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के भड़काने से, क्योंकि वो तो कहते ही है कि आपने क्यों लिए, पहली बात तो, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं घर में रहने वाले जो हैं वो समाधि मरण नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि शरीर इतना शिथिल हो जाता है तो पराधीन हो जाते हैं, और पराधीन जब हो जाते हैं तो परिवार वाले सीधे क्या करते हैं, डर जाते हैं और सीधे उनको डॉक्टर दिखाई देता है। आप प्रतिमाधारी हो, आप इतना प्रतिमाधारी की, इतने सारे व्रतों का पालन किया जब तक आपकी शक्ति थी, आपकी सामर्थ्य थी, और इसके बाद आप जैसे मान लो कर्म को जैसे बीमार हुए, कुछ भी हुए, उन्हें उठा करके आपको अस्पताल में पटक दिया, वही दवाई, वही इंजेक्शन, वो सब चालू कर दिया, और वो ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं, लोग कोमा में चले जाते हैं, नाली लगा देते हैं, भोजन अंदर नली से जाता रहता है, रात दिन भोजन जाता रहता है, ठीक है ना। हो सकता है उसमें तुम्हारे भाव ना हो, उसमें परिणाम ना हो, लेकिन शरीर के साथ तो गलत हो ही गया है ना। तो वो सब परिस्थिति देखते हुए कि कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि आपको फिर संगति करना चाहिए, फिर आपको छोड़ देना चाहिए और साधु संत आदि की संगति में रह करके अपने व्रत नियम आदि का पालन करना चाहिए, साम भाव से, समता भाव से, ठीक है ना, हर परिस्थिति में रह करके उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि बिना धर्मात्मा निकट हुए,
या तो अपने परिवार में सबको धर्मात्मा बनाओ, सभी प्रतिमाधारी बने, सभी नियमों का पालन करने वाले बने, यदि इतने पुण्यशाली यदि हो तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो आपको आत्म संबोधन करेंगे, वो आपके व्रतों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको भी बार बार संबोधन करेंगे कि आपने कितने व्रत का पालन किया, आपने कितनी साधना की, और आप इस प्रकार से आकुल व्याकुल नहीं होना, वो आपको ज्ञान देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो 10 बार खाने वाला, रात्रि भोजन करने वाला, अवक्ष का सेवन करने वाला, झूठ बोलने वाला, गलत काम करने वाला, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, वो व्यक्ति आपकी व्रतों की रक्षा नहीं कर सकता। व्रती के साथ रहोगे तो आपकी व्रतों की रक्षा हो पाएगी, अब व्रतियों के साथ कभी भी व्रत की रक्षा, इसलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि हे मुनिराज, असंयमियों की संगति कम करना या नहीं करना, क्योंकि असंयमियों की संगति ज्यादा करोगे तो तुम्हारे में असंयम ही आएगा। राग द्वेष की बातें करेंगे, ठीक है, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, संसार की बातें करेंगे, तो उनके पास कुछ है क्या? असंयम के पास असंयमी है, हाँ, तो उसे संयमी बनाने के लिए बात करो तो समझ में आता है, लेकिन असंयमी की संगति करते करते ऐसा ना हो स्वयं में असंयम का भाव पैदा हो जाए। इसलिए समाधि तंत्र पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, कि तुम्हें जो है जनता से दूर रहना है, हाँ, जहां जहां संबंध वहां वहां बंद होंगे, इसलिए तुम दूर रहना है। और आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे, ये तो जंग लगा लोहा है, क्या है, जंग लगा लोहा सही लोहे से भी संगति करे, सही लोहा जंग लोहा से संगति करे तो वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी जंग वाला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम अपने को बचाने के लिए लौकिक लोगों की संगति मत करो, तभी नियम का पालन होगा। यहाँ पर जय कुमार जी ने कितना उपसर्ग होने के बाद भी अपने नियम का पालन किया, और देखो जब नियम का पालन करते हैं तो यश तो अपने आप ही फैलता है, फैलाना थोड़ी पड़ता है। यहाँ सारे देवी देवता जो हैं जय जयकार कर रहे, उनका नाम गुणगान गा रहे हैं, धन्य है जय कुमार जो अपने व्रतों से डिगे नहीं। हमें तो लोभ लालच आ जाता है, आप परिग्रह परिमाण बना लो, इतने वस्त्रों का, इतने बर्तनों का, और कभी गिफ्ट में मिल जाए तो छोड़ते थोड़ी हो, ऐ कोई बात नहीं रख लो, बाद में काम आएगा, तो कहीं ना कहीं वो लोभ आ जाता है। तो इस लोभ को कंट्रोल करना, इच्छा का परिमाण बनाना, परिग्रह परिमाण व्रत का अर्थ क्या है, इच्छा का परिमाण बनाना, आप अपनी इच्छाएं सीमित करें, आकांक्षाएं सीमित करें, और ये ध्यान रखना ये सब तत्व ज्ञान के बल से होता है। किससे होता है, जैसे जैसे तुम्हारा सम्यक ज्ञान निर्मल होता जाएगा, मतलब और अच्छा ज्ञान होता जाएगा, मतलब अनुभव वाला ज्ञान होता जाएगा, शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव वाला ज्ञान होता जाएगा, त्यों तो राग द्वेष कम होगा, भोग विषय में आसक्ति कम होगी, और हम जो हैं बाह्य पदार्थों से छूटते जाएंगे। बाह्य वस्तु हमारे राग द्वेष के कारण पकड़े रहते हैं, राग द्वेष अंदर का लोभ लालच कम होगा तो बाह्य की वस्तु भी क्या हो जाएगी, आप घर से बंधे हो तो किससे बंधे हो, घर ने बांध रखा, परिवार ने बांध रखा, स्वयं ने अपने मोह से अपने को बांध रखा, और जैसे ही मोह टूटा सब खत्म। जब कभी कभी गुस्से में मोह टूट जाता है, कभी कभी झगड़ा हो जाए तो मोह, पर वो द्वेष का मोह बन जाता है, राग का तो टूट गया और द्वेष का अभी मित्र था, और मेरा मित्र अभी ऐसा कहते थे, अब बोलते हो मेरा शत्रु, मेरापन नहीं छूटता, क्या नहीं छूटता, मेरापन,
मेरा मित्र है, और अब क्या बोलेंगे, मेरा शत्रु, तो मोह कहाँ छूटा। सिर्फ कसाय जो तीव्र राग थी, अब वो तीव्र द्वेष में परिवर्तित हो गई, मतलब कि अभी हम उसके पीछे लगे थे, ठीक है ना, किसके मित्र बन करके, अब हम शत्रु बन के उसके पीछे लगेंगे, बैर की गांठ बांधेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, इस प्रकार के विचार भाव मन में आते जाएंगे और हम उससे फिर जुड़े रहेंगे, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो बोले कि ये जो चीज़ें हैं, तो ये बोले यही तो अपन को परिमाण बनाना है, अपनी इच्छाओं को कम करना है, तो तत्व ज्ञान के बल से होगा, भेद ज्ञान के बल से होगा। हम सही सही वस्तु स्वरूप का निर्णय करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, बाह्य पदार्थ क्या हैं, इनका स्वामित्व किसके पास है, अधिकार किसके पास है, मैं अनधिकार चेष्टा तो नहीं कर रहा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज़ नहीं है और उसमें मैं अपने अहंकार बस अधिकार कर रहा हूँ। मेरा घर परमाणु पर मेरा अधिकार थोड़ी है, परमाणु का पिंड है ये तो, पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है मोह बस ऐसा कर रहा हूँ। जब मुझे ऐसा ज्ञान होगा तो मोह में दरार आ जाएगी, नहीं दरार आई तो बस हो गया। इसी तत्व ज्ञान के बल से हमारा इच्छा का प्रमाण बन जाएगा कि भैया ये भोग वस्तु जो है इनका मुझे रहने मात्र के लिए उपयोग करना है, इतना ही बस बहुत है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ऐसा इच्छा का परिमाण बनते ही आगे की इच्छा समाप्त हो जाएगी, ठीक है, उसके बिना नहीं होगा। जैसे जय कुमार जी ने भी अपना इच्छा का परिमाण बनाया तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत में महाप्रसिद्धि को प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि इच्छा परिमाण में किसी ने स्त्री का बनाया, किसी ने वस्त्र का बनाया, किसी ने भोजन का बनाया, किसी ने किसका बनाया, इन सब का बनाते बनाते कोई किसी प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये प्रसिद्ध ऐसे नहीं हो जाते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है ना, प्रसिद्धि के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, ये प्रसिद्धि के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐ फिर इच्छा आ जाएगी, वो तो देवता ने देख लिया, बता दिया अवधि ज्ञान से कि ऐसा व्यक्ति है, तो उन्होंने परीक्षा ले ली। और अधिकांशा हर चीज की परीक्षाएं हुई हैं, हमारे साथ भी परीक्षाएं होंगी, कर्म के उदय से, बाह्य निमित्त से, सब जगह से, उनमें घबराना नहीं और अपने व्रतों को दृढ़ता से पालन करना, ठीक है। तो यहाँ पर पांचों अणुव्रतों की जो है कथा आचार्य समंत भस स्वामी, ये टीका में आई है, प्रवचन आचार्य जो हुए हैं उन्होंने टीका में ये सब पांचों जो है कहानी लिखी हुई है, कहानी से हमें प्रेरणा मिल जाती है और हमारे जीवन में भी व्रतों पर दृढ़ता आ जाती है, इसलिए हमें कहानी पढ़ना चाहिए। समंत भस स्वामी ने इसलिए उदाहरण देकर हम समझाने का प्रयास किया है। समय हो गया है, माँ जनवाणी की स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हूँ धो, हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।